भारत की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी पहचाने जाने वाले रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 5 दशक से भी पुराना है। इस सदी या कहें कि बीते 2 दशकों में वे केंद्र की हर सरकार में मंत्री रहे। 5 दशकों में रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पासवान उस वक्त बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए थे जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन में ही थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वारम प्लेस पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति के मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के सुदूर देहात शहर बन्नी में हुआ था। पिता जामुन पासवान की 3 संतानों में रामविलास सबसे बड़े थे, उसके बाद पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। पिता ने तीनों भाइयों को काफी गरीबी में पाला था, लेकिन रामविलास शुरू से ही जुझारू थे। उन्होंने शहरबन्नी से स्कूली पढ़ाई करने के बाद एमए और एलएलबी कर लिया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की न सिर्फ तैयारी की बल्कि उसे क्रैक भी किया। रामविलास का चयन डीएसपी के पोस्ट के लिए हुआ था, लेकिन शायद उन्हें कहीं और जाना था। जब उनका चयन यूपीएससी में हुआ तभी वह समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। रामविलास पासवान की राजनीति में आने से पहले की जिंदगी प्रयोग और रोमांच से भरी थी। कॉलेज में रहते हुए पासवान अपने साथियों के साथ हर साल 9 अगस्त को भूमि मुक्ति आंदोलन करते हुए धरती चोरों धरती छोड़ो के नारे के साथ जेल जरूर जाते थे। यह राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। जेल से बाहर आने के लिए कभी जमानत नहीं मांगते थे। 14 अक्टूबर से पहले जेल से छूटना नहीं चाहते थे। इसके पीछे की एक रोचक दास्तान भी है। बकौल पासवान, 14 अक्टूबर को जेल में जाड़े का मौसम घोषित हो जाता था, तब सभी कैदियों को गर्म कपड़ा मिल जाता था। इसमें पैंट शर्ट कोट और कंबल बांटा जाता था। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 1969 में तब शुरू हुआ था जब वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। खगड़िया में एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। पासवान ने इमरजेंसी का पूरा दौर जेल में गुजारा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद पासवान छूटे और जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल के ही टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से 1977 के आम चुनाव में ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। 1977 की रिकॉर्ड जीत के बाद रामविलास पासवान फिर से 1980 और 89 के लोकसभा चुनाव में भी जीते। इसके बाद बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले कई सालों तक विभिन्न सरकारों में पासवान ने रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच वे भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बनते रहे। पासवान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं। देश की राजनीति में इतना लंबा समय गुजार चुके रामविलास पासवान की निजी जिंदगी लगभग पर्दे में ही रही। उनकी निजी जिंदगी पर बातें तभी हुई जब विवाद हुए। पासवान ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से 1 बेटे चिराग पासवान और 1 बेटी है। उनकी पहली पत्नी अब भी उनके गांव शहरबन्नी में रहती हैं और इन दिनों बीमार भी हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑन कर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।